नमस्कार, मैं मंजुश नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। एक एएसआई पर आरोप लगता है कि केस का अनुसंधान करने घर में घुसता है दो तीन कांस्टेबल के साथ सादा वर्दी में। एफआईआर का आरोपी घर में नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में पुलिस घर में तोड़फोड़ मचाती है। घर में दो बेटे हैं, उनके साथ एएसआई मारपीट करता है। बूढ़ी दादी जिनका अभी अभी बाईपास का ऑपरेशन हो रखा है उसका भी लिहाज नहीं करता और दोनों बेटों को उठाकर जबरदस्ती बिना किसी जुर्म के अपराधियों की तरह थाने ले जाता है, अपराधियों की तरह थाने में घंटों बैठाए रखता है। आरोप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है पैसों और जमी के लिए। एएसआई का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं, लेकिन अगर ये आरोप सही हैं तो मामला गंभीर है और उदयपुर पुलिस के आला अधिकारियों को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। पूरी घटना सवीना थाने से जुड़ी हुई है। सवीना थाने के एएसआई फतेह सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों पर आरोप है। आरोप लगाने वाले जगदीश नागदा और उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। उन्होंने फतेह सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद दिया है और आरोप भी गंभीर लगाए हैं। सवीना पुलिस और थानों ने हमारे को इतना परेशान कर रखा है कि राठौड़ी में वो घर पे आते विदाउट ड्रेस में, वर्दी में नहीं आते और रात को 2 से 4 बजे के बीच में आके हमारे को इतना परेशान करा, बच्चों से मारकूट की है उन्होंने। और राठौड़ी में आए वो, जबकि उनको हमने हाईकोर्ट का उनको नोटिस बता दिया कि सर हमारे पास स्टे बता दिया है कि हमारे सर हमारे पास स्टे है और हमारे इसमें कोई मुकदमे में ऐसा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड को बात करनी है, तो हमने हमारे हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने 15-20 लाख की मांग की है कि हम समझौता कर लेंगे, आप थाने भेजिए। मेरे हस्बैंड थाने गए तो उन्होंने वो कॉफ़ी फाड़ के फेंक दी, जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने ना मैंने कहा मैं एसपी के पास जाऊंगी, कलेक्टर के पास जाऊंगी, तो तेरे को जहाँ जाना है वो जा, मैं पर तेरे से पैसे लेकर ही रहूँगा। फिर उन्होंने रात को आए, जब मैं घर पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो आए तो ताले तोड़े, अलमारी तोड़ी, उन्होंने गेट सारे तोड़े, लैपटॉप फेंक दिए बच्चों के, बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों से मारपीट की, बड़े वाले बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, छोटे वाले बेटे की भी बहुत लाते गुस्से मार के वो सवीना थाने में उठा के लेके गए। जगदीश शर्मा और उनकी पत्नी ने जिला पुलिस अधीक्षक को सवीना थाने के एएसआई फतेह सिंह, कांस्टेबल कालूलाल, कमलेश ड्राइवर और अन्य महिला पुलिसकर्मी के विरुद्ध परिवाद दिया और साथ ही सीबीसी न्यूज को बताया कि इन लोगों ने हमारी अनुपस्थिति में घर में घुसे, तोड़फोड़ की और इनके दोनों बेटे से मारपीट कर उन्हें अवैध रूप से गाड़ी में पटक कर मारपीट करते हुए थाने ले गए। मैं चिराग शर्मा, मैं और मेरा भाई कल घर पे पढ़ाई कर रहे थे, जो सवीना थाने से 3 कांस्टेबल और 1 ड्राइवर और 1 एएसआई फतेह सिंह और 3 लेडी कांस्टेबल घर आए। उन घर आए, हमारी किताबें फाड़ दी और लैपटॉप फेंक दिए और आके मुझसे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है, तो मैंने बोला पापा मम्मी कहीं गए हैं बाहर, कि कहाँ गए मुझे लेके चल। मैंने बोला हमें नहीं पता कहाँ गए हैं बाहर प्रोग्राम में, तो उन्होंने बोला कि सब पता है, मैं अभी निकलवाता हूँ, और कॉलर पकड़ के हमें अंदर लेके गए। उसके बाद हमारे लैपटॉप और किताबें फाड़ दी और लैपटॉप फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने ना हमारे पास में एक रूम है साइड में, उसको हमने रेंट पे दे रखा है, जो गीतांजलि में MBBS कर रहे हैं भैया, उनको वो घर पे नहीं थे, तो उनके दोनों तरफ के गेट फतेह सिंह जी ने लातों से डंडों से तोड़ दिए। दोनों गेट तोड़ने के बाद फिर मेरा भाई जब वो हमें मारने लगे, तो मेरे छोटे भाई अक्षय ने उनकी वीडियो बनाने लगे तो उनके बाद उन्होंने उनका फ़ोन से दोनों वीडियो डिलीट करवाए और हम दोनों को मारा। उसके बाद से हमें मार के और घर सीटते हुए थाने की गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाते वक्त उनके ड्राइवर और फतेह सिंह और उनके ड्राइवर दोनों ने हमें लाते घुसे, सब तरफ से मारा हमें, और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के रोड बताई मैंने कि यहाँ पर रोड लगी हुई है, यहाँ मत मारो, तो उन्होंने 2 लाते और मारी वहाँ पर। उसके बाद मेरे हाथों पर मारी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर पे लाते घुसे चलाई। उसके बाद मैं और मेरा भाई हम थाने में उतरे गाड़ी से, तभी भी हमें मारा। उसके बाद हम पूरे दिन हमें थाने में अंदर बिठाए रखा। एक बार और उससे पहले आए थे फतेह सिंह जी, तब उनके साथ 7-8 कांस्टेबल 2 गाड़ी लेके आए थे और रात को 2 बजे फतेह सिंह अंदर आए और उन्होंने बोला कि पापा कहाँ है। मैंने बोला पापा नहीं है घर पे, बोले चेक करवाओ, तो मैंने बोला आप 1 सेकंड रुको मैं मम्मी को उठाता हूँ। बोले किसी को नहीं उठाना, मैं सब चेक कर लूँगा। तो वो जबरन अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद मेरी मम्मी सो रही थी, मैंने बोला 1 सेकंड मैं गेट नॉक करता हूँ, मम्मी आ जाएंगी। मम्मी नाइटी के अंदर सो रहे थे, तो बोले कि कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उन्होंने गेट खोला और फिर कंबल वम्बल सब खींच लिए और
फिर है ना मंदिर के ऊपर, गैस की भट्टी के ऊपर मंदिर है, मंदिर के ऊपर चढ़े तो मैंने बोला ये भगवान है आप जूते पहन लो, तो उनका कांस्टेबल बोला मैं ही भगवान हूँ। जगदीश शर्मा ने बताया कि 420-406 में सवीना थाने में जमीन के बेचान को लेकर एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया, जबकि उसकी मेरा उस जमीन से बेचान या खरीदी में कोई सीधा संबंध है ही नहीं। मेरा उस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी में गवाह के रूप में साइन जरूर किए हुए हैं और इसके बावजूद भी मैंने अनुसंधान में पूरा सहयोग किया। मुझ पर लगे केस को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे भी दे दिया है, उस स्टे को भी एएसआई फतेह सिंह द्वारा माना नहीं जा रहा है। जगदीश शर्मा और उनकी पत्नी बसंती देवी ने आरोप लगाया कि हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस में 35 लाख रुपए में प्रार्थियों को दे दूं और साथ ही पुलिस को भी दे दूं तो इस मामले को रफा दफा करेंगे वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जगदीश शर्मा ने बताया कि जमीन के मामले के बारे में हिरणमंगरी थाने में पूर्व में ही बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में आपसी समझौते से निपटारा हो चुका है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, बावजूद इसके अब मुझे इस मामले में परेशान किया जा रहा है। मैं जगदीश शर्मा, मुझे सवीना वाले थाने में परेशान कर रखा है। मुझे एक झूठा मुकदमा किसी ने दर्ज कराया है जिसका पूर्व में भी उस विवाद को हिरणमंगरी थाने में आपसी समझाइश कर निपटाया गया था, पर उन्होंने सवीना थाने में मुकदमा दर्ज कराया जिसके मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय से एक स्टे लिया हुआ, स्टे से पहले मैं स्टे लेके गया था सवीना थाने में, वहाँ फतेह सिंह जी ने वो कागज़ फाड़ दी, स्टे की कॉपी फाड़ दी, बोला मैं कोर्ट को नहीं मानता और मुझे तुम पैसे दो उससे मैं निपटारा कर लूँगा, जबकि मेरा उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और मैं जब घर होता हूँ तब मुझे घर पे नहीं आते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे यहाँ आते हैं और मेरे बच्चों के साथ में और मारपीट करते हैं, और कल भी थाने घर से उठा के थाने में ले गए मेरे घर पर तोड़ फोड़ की, और जो एक मेरे बच्चे ने वीडियो बनाया था अक्षय ने उसको वीडियो बनाया, उसे मारपीट की जिससे हाथ फ्रैक्चर हो गया। कल हम गए थे एसपी ऑफिस में, वहाँ एसपी ऑफिस में गए थे वो भी नहीं थे, उच्च अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश की, कल नहीं हो पाया, आज हम वहाँ एसपी ऑफिस एसपी साहब के समक्ष पेश होके एक परिवाद दिया। माना कि जगदीश शर्मा पर कोई जमीन का बेचने या खरीदने का मामला दर्ज है जिसका अनुसंधान भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर जगदीश शर्मा, उनकी पत्नी बसंती देवी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर हैं कि सवीना थाने के फतेह सिंह और बाकी पुलिसकर्मी घर में घुस तोड़फोड़ की, दोनों बेटों को पूछताछ के नाम पर जबरदस्ती थाने में ले गए, देर शाम को छोड़ा है, तो ये सरासर गलत है। यही नहीं, जगदीश शर्मा की पत्नी बसंती देवी ने और भी आरोप लगाए हैं कि पुलिसकर्मी मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसते हैं, मैं सोई हुई थी, कंबल खींचते हैं, उस वक्त नाइट ड्रेस पहना हुआ था और बाद में बदसलूकी भी करते हैं। तो ये आरोप अगर सही हैं तो बहुत गलत हैं और इस पर पुलिस के आला अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। किसी एफआईआर का अनुसंधान हो तो सही है कि अनुसंधान होना भी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष और सही तरीके से, इस तरह से नहीं जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो एक तरह से पूरी तरह से पुलिस की गुंडाई और दादागिरी है। इस सारे मामले में सीबीसी न्यूज ने जब एएसआई फतेह सिंह से बात की तो उनका क्या कहना है ये भी जान लीजिए। सर नमस्ते, मैं सीबीसी न्यूज राजस्थान से जयश्री नागदा बात कर रही हूँ। फतेह सिंह जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी फरमा। सर एक केस आया है हमारे पास में बसंती देवी और जगदीश नागदा का जी। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपका वर्जन में रिकॉर्ड करूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आरोप आप पर ये लगे हैं कि जमीन का मामला है और इसमें ये है कि आप उनसे इस मामले में कुछ रिश्वत की मांग कर रहे हैं, उनके घर में तोड़फोड़ की है, उनके बेटों को जबरदस्ती मारपीट कर आप थाने लाए हैं, बंद कर दिए हैं, और ये आरोप भी है कि पति की गैर मौजूदगी में इनके घर में आप घुसते हैं और महिला के साथ अभद्रता करते हैं। क्या कहेंगे सर इस पे आप? मैडम, इनके खिलाफ जगदीश जो है नागदा इनके खिलाफ एक मामला दर्ज है मैडम 8/3/2022 का जी। कोर्ट से एफआईआर नाम से आरोपित हैं जी। मैंने इनको कई बार तलब किए, ये अपनी शिकायत पर मिले नहीं। इनके पत्नी बसंती देवी को भी मैंने आगाह किया कि भाई आप अपने हस्बैंड को अनुसंधान हेतु भेजे, पर वो उपस्थित नहीं आए जी। इनके जो बेटे हैं उनके किसी प्रकार की तोड़फोड़ में जिनने पूछा तो बेटों ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमारे पिताजी के बारे में अगर कोई जानकारी थी तो मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, आपको 7 साल देने के लिए तैयार हूँ। खुद आए हैं, इनकी मदर थाने पर आए हैं और इन्होंने बताया था हमारे हस्बैंड ने
एक हाई कोर्ट में रीट लगा रखी है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो मैंने कहा आप उस रीट के संदर्भ में कॉपी दें और हजबेंड को अनुसंधान हेतु आप भेजें। इसके अलावा ये अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अनुसंधान सहयोग करें, अनुसंधान का जो भी है मेरिट पर निर्धारण हो जाएगा। लेकिन सर उनके पास एविडेंस मौजूद है तोड़फोड़ के और फ्रैक्चर के और इस सब के? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना तो किसी प्रकार का कोई प्रवेश किया गया, ना कोई तोड़फोड़ की गई है, ना कोई मारपीट की गई है। उन्होंने एसपी को परिवाद भी दिया है? जी मैडम, वो भी प्राप्त हुआ होगा मुझे पता नहीं है, और जांच हो जाएगी अगर सत्यता है तो सामने होगी, वरना केवल उनसे हमें अनुसंधान किया जाना, इसके अतिरिक्त जगदीश शर्मा से हमारा कोई काम नहीं है। वो ये कि किसी और सामने वाली पार्टी से लेकर के उनके ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है, उनका आरोप कुछ इस तरह से? वो केवल अनुसंधान में सहयोग करे, उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज है ना 420-406 में, और कोर्ट से जरिए इस्तीफा से दर्ज है, और केवल अपने को तो उसका अनुसंधान करके उसके मेरिट पर उसका डिस्पोजल किया जाना। ठीक है सर। जी मैडम। ASI फतेह सिंह का कहना है कि उनका जमीन के मामले में नामजद रिपोर्ट है, तो अनुसंधान में सहयोग करें और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। पुलिस पर आरोप गंभीर है और पुलिस के आला अधिकारियों को गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि जमीनों के मामले में उदयपुर पुलिस की फजीहत किसी से छुपी हुई नहीं है, और ये भी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ लाखों का मामला ही है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।